सबसे पहली डियर बात ध्यान साहब, अरे एकदम से पहले शुरू होने से पहले हमें मालूम तो पड़े सुरेश किसके कारवा, बात नहीं मैंने उनकी बात को कंटिन्यू कर रहा हूँ भाई। हाँ रुकोगे, मैं कंटिन्यू करने दूंगा, थोड़ा रुकोगे, पहले ये बताओ मोमिन हो? बिल्कुल। कोई सूरा सुना सकते हो? यार सूरा सुनने के लिए बैठता है तो दुकान खोल के डेली क्या? हाँ पहले हम सूरा सुनते उसके बाद दुकान अपनी चलाते, बिना बिना सूरा सुने हम कस्टमर को एंट्री नहीं देते। चलो भाई सुना है देता हूँ। हाँ प्लीज। कौन सा सुनना है? सूरे तलाक सुनाओ। फंसा दिया तूने स्टाइल। फंसा दिया तूने यार, जो आता है वो सुनाओ ना, ये क्यों पूछते हो कौन सा सुना? अभी 114 में से कुछ भी बोल लूंगा तो सुना दो। इतने अभी मूड में था, मैंने अभी इब्न हिशाम की बात बतानी थी आपको, करना इसलिए लूटा गया था क्योंकि वो गरीबों को लूटता था। डियर जयान साहब, एक तो ये डियर क्यों रुकना यार, कि व्हाई यू पीपल आर सो इरिटेटिंग मैन। पहले ये बताओ ये डियर लगाने का क्या तुक बनता है? मैं एक पर्सनल लेवल पे पूछ रहा हूँ, ये डियर जयान क्यों है? क्योंकि जब मेरा नाम पुकारो तो थोड़ा प्यार से, इसलिए। ये प्यार का भूखा है डियर जयान साहब। यार ये तो लेवल हो गया। ठीक है चलो, हम प्यार से पुकारेंगे डियर सहन साहब। ठीक है मुझे जानना था, अभी वो कोई सूरा सुना दो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु वइय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अन'अमता अलैहिम गैर मजूद सारा ही गलत है, सारा ही गलत है। ये कोई नया ये कोई नया सूरा फातिहा नंबर 2 उतरा है क्या आसमान से, ये जो तुमने पढ़ा अभी? क्यों भाई, इसके वजह से हम लोग टेस्ट हमारा लेते हैं। हमारा हिंदी थोड़ा उर्दू थोड़ा मुश्किल। आपने ना हिंदी में पढ़ा ना उर्दू में पढ़ा, आपने अरबी में पढ़ा। ये पूछ रहे थे ना, इस वजह से हम टेस्ट लेते। देखो गाइस, एक सूरह फातिहा ये बंदे को नहीं आता है, ये इब्ने हिशाम हिशाम और इसहाक और देखो मैं इंटेलेक्चुअल बंदा हूं, मैं स्कॉलर की बात कर रहा हूं। अरे तो नमाज तो पढ़ते हो ना डियर ध्यान, ये तो मदरसे में कोई भी बैठ के अरबी में पढ़ देगा, मैंने अरबी की उतनी अच्छी सी पढ़ाई नहीं की। तो नमाज नमाज पढ़ते हो क्या नहीं पढ़ते हो? अरे तो नमाज पढ़ता हूँ बिल्कुल, तो उसमें तो ईमान देखते है ना, वो अंदर से, वो थोड़ी वर्ड कैसा बोला वो थोड़ी देखते है अल्लाह। अच्छा वो नहीं देखते, कुछ भी पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह ये सस्ता आदमी। आपका इंटेंशन कैसा है? मैं वही बोल रहा हूँ, मेरा इंटेंशन अच्छा है, लेकिन मैं ऐसा पढ़ू सूरह फातिहा? आप अरबी बहुत अच्छा पढ़ लो और उसके बाद आप जाके गरीबों पर जुल्म करो तो क्या अल्लाह मान लेंगे जन्नत में? मेरे प्यारे भाई मेरी बात सुनो, प्रॉब्लम आपका ये है ना कि हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप तजवीद और मखरज पूरा अल्हम्दु ऐसा पढ़ने नहीं बोल रहे, लेकिन एक बेसिक जो सिर्फ जुमा वाला नमाजी होता है उसको भी सूरह फातिहा नॉर्मल तरीके से पढ़ने भी आता है। हमने आपसे मुतालबा ये नहीं किया कि आपको तजवीद और मखरज के साथ जैसा ये सुडैस पढ़ते हैं या दूसरे जो कारी है वैसा पढ़ते वैसा सुनाओ। प्रॉब्लम ये है कि आप अगर एक मुसलमान है और आप यहाँ पे आके इस्लाम का दिफा करने के लिए आए हैं तो एटलीस्ट आपको सूरह फातिहा जो कि बेसिक नेसेसिटी है इस्लाम की नमाज की, रसूलुल्लाह ने कहा है कि जिसने नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़ा हो उसकी नमाज बाकी पूरी माँ बहन एक कर दिया इसने सूरह की। मैं तू अरबी ना पढ़ भाई, तू ना अल्लाह लायूं वजन ना फिल हुतात्मा चौक, या हमारी देश की बस चलती है उसमें एक हुतात्मा चौक करके एक जगह है बस आ जाती कल लायूं वजन ना फिल खुतमा वमा अदरा कमल खुतमा, तो तुमने हुतात्मा चौक बना दिया। खैर चलो मुद्दे पे आते, थोड़ा बहुत मालूम है तो हम विल गिव दैट बेनिफिट ऑफ डाउट टू यू। ये बताओ कि आज के टॉपिक पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखो भाई मैं प्रिपेयर होके आया हूँ आज, माशाल्लाह, क्योंकि आपने ये टॉपिक पहले भी एक बार की थी, माशाल्लाह। ठीक है, सो देखो मैं एक
जो उनकी पांचवी कारवान को जो लूटा था उन्होंने मदीना जाने के बाद, उसमें से इब्न हिशाम इब्न इशाक ने कहा है, सुनो, इब्ने इसहाक ने कहाँ कहा है, कुराइश कारवान को इसलिए लूटा गया था, कहाँ कहा है? कहाँ कहाँ है मतलब, ओके देर यू गो, स्क्रीन पे ले आता हूँ मेरी जान। एक तो इब्ने इसहाक की किताब आपके पास है ही नहीं, इब्ने हिशाम ने नहीं उसे लिखी है किताब। बुवात कारवान ओके जब मुझे उसने, बताइए किस पेज पे जाऊं तो मुझे पता लग जाएगा। आप इसमें मुझे देखना होगा, रेफरेंस देखना होगा, अभी आप कह मैंने रहे हैं मैं उसको, तैयारी करके मैंने आया हूँ, बुक बुक से पूरा नोट करके एक नोट हाँ तो फिर एक आपके पास पेज नोटबुक में नंबर भी लिख होना के लाया चाहिए हूं, ना, मैं सब कुछ होना चाहिए। लिख के लाया हूं, मैं लिख के लाया, ओके लिख के लाए, बेहतरीन। ठीक है, बवात मुद्दा के पहले ऊपर सुन लेते हैं ना, ना सुनने मुद्दा की जरूरत सुन नहीं, लेते हैं, बवात के ऊपर जाते हैं सर, हम सीधा पढ़ेंगे ना यार। ये देखिए ठीक है, बवात के ऊपर जाते हैं, ये देखिए आपने कहा बवात, आपने बवात का नाम हाँ दिया, मैं जलाया था आपको। ये देखिए बवात पे आ गए, ये देखिए सर मैं सर आपके पास हूँ यार, रेफरेंस देने के लिए मैं मौजूद हूँ ना मेरी जान के टोटे। ये देखिए रेड ऑन बवात, देन द अपोसल वेंट रेडिंग इन द मंथ ऑफ रबीउल अव्वल मेकिंग फॉर कुरैशी 345 अंटिल ही रीच बवात इन द नेबरहुड ऑफ रादवा, then he returned to Medina without fighting and remained there for the rest of Rabiul Akhir and part of Jamadul Awal. जी सर यहाँ पे कहाँ लिखा है कि ये मोहम्मद का अपना माल था जिसको लेने के लिए ये बवात पे इसने अटैक करवाया? जी सर इब्ने इसहाक है आपके सामने। उसमें लिखा है कि इसमें आगे जाओ इस कारवान के खिलाफ, क्योंकि कहाँ लिखा है? इसने मैंने उन बवाद का चैप्टर पढ़ मुल दिया पूरा, चार लाइनें। अरे भाई तफसीर नहीं जानता, मतलब सिर्फ वो चार लाइनें आप पढ़ के कैसे समझोगे, भाई तो आपने कहा है कि मैं होमवर्क करके आया हूं, पढ़ के कहाँ आया लिखा है, हूं, तुमने जो कहाँ लिखा बोला है? वो कहाँ लिखा है, मैं तफसीर से बता रहा हूं आपको, किधर हाँ तो लिखी है वो किधर तफसीर? है, तैयारी करके आए, मैंने मैंने पहले इब्ने, तैयारी करके आए यार। हाँ देख किधर लिखा है आपने जो पढ़ा, उसमें लिखा है कारवान 100 कुरैश थे उसमें, किधर? 2500 ऊंट थी, हाँ ये ठीक है, है ये 2500 ऊंट हदीस है, के, हदीस से मैंने लेके आया मैंने हूं, ये लिखा नहीं है, नहीं लिखा है 2500 ऊंट है, ये लिखा है, हाँ ये नहीं, लेकिन ये कहां लिखा है? ये हिस्ट्री ऑफ अत्तेबरी में लिखा है, ठीक है। अब मुझे आप बता रहे थे सीरत नबी इब्ने इसहाक के बारे में, ये आपके सामने सीरत नबी इब्ने इसहाक खड़ी है। अब हिस्ट्री ऑफ अत्तेबरी में चला जाऊं वॉल्यूम नंबर 9 के अंदर, वहां से बवात का वाकया पढ़ लें, इब्ने इसहाक को गोली मार दें, अब इजाजत है आपकी? ठीक है, ठीक अब है, देखो और अगर वहां पे भी ना निकला तो ये मैं आई थिंक मैं इब्न हिशाम से लेके आया था ये इब्ने उसी हिशाम आपके सामने खुली है, दिखाइए पेज नंबर। आप पता है कहां से लेके आए थे? आप लेके आए हैं आर्टिकल से, मैं आपको बताता हूं। आपने पढ़े हैं आर्टिकल, आपने किताब खोल के पढ़ने की कोशिश ही नहीं की, आपके मौलाना ने आपको बनाया पागल बेवकूफ और जाहिल, और आप उसके झूठ में आ गए, और आप हमें बताने आ गए कि आपने सारी तैयारी की और आप पढ़ के आए हैं। भाई आपने पढ़ा है आर्टिकल अपने मौलाना का, आपने किताब खोल के पढ़ने की कोशिश नहीं की, हमारा हाँ कसूर तो है? हमारे हमारे मौलाना हमारे ये बात सही कही, लेकिन उन्होंने तो आप आपके हदीस मौलाना से को लिख के जिब्राइल ने हमें आके बताया, हमें दिया है, उन्होंने आपके मैंने मौलाना को जिब्राइल ने आके ये बात बताई है, क्योंकि उस किताब में तो नहीं लिखा। नहीं, वो तो कुरान और हदीस की नजर में ही लिखते ओके हैं ना, कुरान की कौन सी आयत, हदीस कौन सी, तफसीर कौन सी, क्या खोलूं? उन्होंने बोला इब्ने हिशाम ने ऐसा तो कहा इब्ने है, हिशाम में नहीं लिखा आपके सामने इब्ने हिशाम? ये तब आप कोई गलत देख रहे होगे कि है हमारे गलत क्योंकि, और उन्होंने ये भी लिखा था नकला रेड के बारे में, लखनऊ में जो अरे हुई भाई पहले थी, बवाद की बात कर ले, पहले बवाद की, अब आपने बवाद बोला, बवाद पहले एक्सप्लेन करें कहाँ लिखा है, कौन से पेज में जाऊं। आप ऐसा करें वो आर्टिकल दोबारा पढ़ें और देखें उन्होंने कोई पेज नंबर्स वगैरह लिखे, ताकि हम उस पेज पे जाके पढ़ सकें, नहीं और अगर पेज नहीं नंबर लिखे तो वो वो झूठ बोल रहा है साला। नहीं, ऐसे नहीं बोल नहीं, सकते, ऐसे ऐसा कैसे नहीं बोल बोल सकते,
किताब आपके सामने है, उसमें नहीं लिखा, तो मैं कैसे मान लूं कि वो झूठ नहीं बोल रहा? नहीं तो वो लकीर के फकीर थोड़ी है कि आपके इस जो चार लाइन को लिख के देंगे, उन्होंने अपनी तरफ से उसको एक्सप्लेन किया है। हाँ तो वही बता रहा हूँ, हिस्ट्री का वाक्या है, उनको इल्हाम हुआ था या जिब्राइल ने आके बताया था कि हिस्ट्री में ये वाला काम हुआ था जिसकी वजह से मोहम्मद ने अटैक किया, कैसे पता लगा उन्हें? नहीं, अगर कहीं लिखा नहीं हुआ तो उसे पता कैसे लगा? देखो उन्होंने, उनका ये कहना था कि कुरैश जो थे वो खुद एक बहुत लोगों को लूट कर अपने सर वेल्थ को मेरा बना सवाल रहे। ये है कि उनको पता कैसे लगा? तो ये कैसा पता है? ये हिस्ट्री, अरेबियन अच्छा तो हिस्ट्री है। इसका मतलब है कि वो जो रॉबिन हुड है वो सही था, अच्छा बंदा था, नहीं क्योंकि वो लुटेरों को रॉब लूटता था और गरीबों में बांटता था, तो रॉबिन हुड अच्छा बंदा है। नहीं, रॉबिन हुड जो है वो उसने उसने अमीरों से, लूटा और गरीबों में बांटा। अमीरों से लूटा नहीं, अमीरों का मेहनत से कमाई हुई रकम लूटी इसने नहीं जो नहीं है, उसने या इस अमीरों से कमाई हुई कुरैशों रकम नहीं से, लूटी। नहीं नहीं कुरैशों से सही, गरीबों आपको की रॉबिन हुड की लूटी आपने, हुई चीज को लूट के उसमें फिर से नहीं बांट नहीं दी। भाई उसने ये नहीं किया, उसने टैक्सेशन के पैसों को लूटा था, जो जो जबरदस्ती मार मार के टैक्स के नाम पे पैसे लुटेर रहे थे उनको लूटा था, ठीक है, और फिर गरीबों में बांटा था, ठीक है। तो क्या आप रॉबिन हुड को अच्छा मानते हैं? नहीं तो टैक्सेशन जो होता है वो एक रूल ऑफ लॉ के अंदर डिफाइंड होता है, नहीं होता ना, अगर आप ओवरकिल करेंगे टैक्सेशन को तो वो लॉ के अंदर नहीं ना आता, वो फिर लॉ से बियॉन्ड लेकिन चला जाता है। एक एक अथॉरिटी होती है जिसको पूरी सोसाइटी ऑफ ओके, लाइफ तो है अगर उसको फॉलो अथॉरिटी के करना। अंदर, अगर मक्का की अथॉरिटी है और वो एक कंट्री है मक्का, और वो एक कंट्री बन चुका हुआ है, जिस तरह मदीना में मोहम्मद का कंट्री बन चुका हुआ है उस तरह मक्का में कंट्री है, उनके काफले हैं वो नहीं जा उस रहे समय तो हैं, कंट्री का कॉन्सेप्ट नहीं था भाई, तो रियासत मदीना कैसे बन गई साली? जब रियासत मोहम्मद ने मदीना हिजरत की कंट्री नहीं तो है। रियासत, तो रियासत किसे कहते हैं? वो तो हमारी इस्लामिक रियासत जो अल्लाह दाबा, के, दाबा, दाबा। रियासत मींस कंट्री, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नहीं लॉ ऑन द रियासत कंट्री। मींस कंट्री नहीं होती, रियासत क्या मींस होती होती है? है एस्टेब्लिशमेंट। क्या पागल हो यार, क्या तुम लोग अपनी अपनी डिक्शनरी डेफिनेशंस कहां से ले आते हो भाई? ये क्या हो गया यार साहिल आजकल लोगों को, ये अपनी मर्जी की डेफिनेशंस कैसे ले आते हैं यार? अरे भाई रियासत की आप देखो तो डिफिनेशन में, आप जाके क्या गूगल में सर्च करो, पाकिस्तान एक ऑक्सफोर्ड में। रियासत नहीं है? कौन सी पाकिस्तान एक रियासत नहीं है? पाकिस्तान एक एस्टेब्लिशमेंट नहीं है? ओ मैन ठीक सीरियस। है उसको एस्टेब्लिशमेंट ही ले लो, तो जैसे मदीना में रसूलुल्लाह ने एक एस्टेब्लिशमेंट कायम किया, उसी तरीके से मक्का वालों ने, मक्का का एक एस्टेब्लिशमेंट था, और वही एडम साहब आपसे पूछ रहे हैं कि लेकिन वो लेकिन अपना, जब जब एक एस्टेब्लिशमेंट जो है अपने ही लोगों के खिलाफ जाके उनको लूटने लगे, तब कहां वहां के लिखा? रूरल उनको जाके लूटने हाँ लगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहां मोहम्मद ने लिखा? लूटा ये काम, मोहम्मद ने नहीं किया नहीं नहीं ये कुरैशियों ने किया, कुरैशियों ने किया। और जब कहां उसने किया इसका अपने लोगों को सबूत? लूटा तो फिर कहां? आज जब सद्दाम हुसैन अपने लोगों को लूट रहा ओ था तो मैं अमेरिका ने साहिल जाके यार अटैक किया। डियर जयान, डियर जयान, डियर जयान, अभी आपने कहा कि कुरैशियों ने अपने को लूटा, इसका सबूत तो दो, कहां लूटा? देखो भाई ये हिस्ट्री है, कहां है ये आपको हिस्ट्री? इस ये अरेबियन हिस्ट्री के बुक में तो मिलेगी। कौन सी ये किताब, हिस्ट्री की कौन सी किताब में है ये? मैं आपको ये दे सकता हूँ उसका हाँ वही तो मांग रेफरेंस, रहे ना भाई, पहले ही दे देते डियर जयान साहब। तो आप सिर्फ एक लाइन पढ़ते हो आपको सारा हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट ओह सब कुछ मैन उसमें ही किधर चाहिए ऐसा। पढूं डियर जयान साहब, आप हवाला दे दे, कौन सी लाइन पढ़ना है, कौन से पेज पे पढ़ना है, अभी हम लोग पढ़ देंगे अच्छा आप ये बताओ कि वो जो कुरैशियों के पास उतने भाई। पैसे जब हम कहाँ आपसे से आए? रेफरेंस मांगते हैं तो आप ये बताओ पे क्यों आ जाते हैं? पहले रेफरेंस दे देना फिर ये बताओ करें। अरे पहले मैं क्या ये, हमने डियर दयान साहब, क्या अब हमने ये मैं इनकार किया हिस्ट्री का डियर दयान रेफरेंस साहब? ऑन द स्पॉट कोई नहीं दे सकता डियर हिस्टोरियन। दयान साहब आपने अभी कहा था आप तैयारी करके आए हैं, तैयारी आपने करके आए लास्ट हैं। टाइम का हमारा स्ट्रीम सुना है और आज आप तैयारी के साथ आए हैं, तो आप अब ये नहीं कह सकते हमें कि रन टाइम पे क्यों मांग रहे हो, ये पार्ट टू है, और आपने अभी अपने मुंह से इरशाद फरमाया है कि आप तैयारी करके आए हैं, तो आप हमसे रेफरेंस मांग सकते हैं बिकॉज आप तैयारी करके आए हैं। हाँ तो मैं बता तो रहा हूं ना आपको, तो रेफरेंस देना। आपको मैं हिस्ट्री की रेफरेंस मांग रहे हो?
नहीं सर, मुझे बच्चों की जो नर्सरी राइम्स है उसका रेफरेंस मांग रहा हूँ, नर्सरी राइम्स का। ट्विंकल क्या कॉमेडी करते ट्विंकल यार, लिटिल मुंह स्टार किसने नजर लिखी है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। आ। अच्छा तो मैं अच्छा आपको हिल बर्न की देता हूं, ओके, हाँ आप उसको ये ध्यान से बोलूंगा, सुनो। शुक्र है दें। हाँ कौन सी तो बुक? अरे यार बुक सब तुरंत बुक या अच्छा डियर डियर जयान साहब, ये मेरी बुक मेरी उसकी क्यूरोसिटी बुक के है, लिए मैं पूछ रहा हूँ डियर जयान द साहब, बर्थ ऑफ डियर जयान साहब, इस्लाम बुक का मेरे नाम। डियर जयान साहब, मैं अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, आप कितना पढ़े लिखे हैं? मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। कितना कितना पीएचडी, डबल पीएचडी क्या, 4 बार पीएचडी किया आपने? पिछले बार जो हमारे एक दोस्त आए थे मोमिन भाई, वो 4 बार एमए किया था उन्होंने, आपने क्या किया है? 4 बार पीएचडी। नहीं मैं पीएचडी नहीं किया, लेकिन मैं मतलब कोर्स में ज्यादा नहीं पढ़ाई किया, लेकिन ऐसे बहुत पढ़ता हूँ मैं, लेकिन इंटरनेट क्या किया है? फॉर्मल इंटरनेट एजुकेशन वगैरह पे आपकी बहुत कितनी है? पढ़ता हूँ। फॉर्मल एजुकेशन आपकी कितनी है? पीएचडी है, मास्टर किया आपने, ग्रेजुएशन किया है, इंजीनियरिंग किया है, हाँ क्या किया? ग्रेजुएशन किया ऐसा मान सकते हैं। किस में किया? कौन से सब्जेक्ट में? हमने यानी नहीं कि आपने ग्रेजुएशन नहीं किया? ओके, एफए ग्रेजुएशन किया है हमने किया? एफए कंप्यूटर किया? में, कंप्यूटर कंप्यूटर में, कंप्यूटर में ग्रेजुएशन कौन से कॉलेज से किया? ये ये नहीं मैं नहीं कॉलेज बता में यार, सकता, नहीं ठीक ये है, बहुत बहुत रिवीलिंग हो जाएगी ना। रिवीलिंग हो जाएगा। आपने ग्रेजुएशन नहीं किया, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, आप क्वेश्चन पूछ लो मुझसे, क्वेश्चन मैं आपसे गारंटी दे रहा हूँ आपने ग्रेजुएशन नहीं किया। कंप्यूटर पूछ साइंसेज लो। में किया है? कंप्यूटर हाँ साइंसेज में किया है? हाँ जी हाँ जी, आपने आपने क्यों आपने ग्रेजुएशन के टाइम पे कंप्यूटर साइंसेज में आपने ग्रेजुएशन किया है? आर यू श्योर? हाँ जी हाँ जी, मैं एक सवाल उस करूंगा, कॉन्सेप्ट अभी क्या के है? अभी आंसर देंगे बगैर सोचे, बगैर गूगल पे ठीक है सर्च किए। हाँ, डैंगलिंग पॉइंटर किसे कहते हैं? क्या चीज डैंगलिंग पॉइंटर किसे कहते हैं? यार, ये मैंने नहीं पढ़ा था, ऐसे मत तो करो। आपने ओओपी अंब किसको भी नहीं कहते पढ़ा? हैं? नहीं, अरे मैं आप नॉर्मल अच्छा ओओपी इन किसको जनरल कहते हैं? पूछो ना कुछ, कैसे प्रोग्रामिंग नहीं नॉर्मल लैंग्वेज, क्या, अगर आपने डेटाबेस। कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया है तो आपके सेमेस्टर 2 या सेमेस्टर 3 के अंदर ये चीज आपको पढ़ाई गई है, अच्छा तो क्यों इससे झूठ भी बोल रहे हल्का हैं? पूछ लेते हैं ना एडम, उप कॉन्सेप्ट क्या है? चले ऊप का कॉन्सेप्ट बता दें, उप नहीं होता है, उप्स होता चले है। हाँ क्या है ऊप्स का बताइए। कॉन्सेप्ट बता। चले पहले ऊप्स की जो है ना डेफिनेशन बता दें, किस चीज की एब्रीविएशन है ऊप्स? हाँ ऊप्स जो होते हैं उप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। तो एस क्या है बीच में? ऊप्स कर दिया ना आपने ऊप की बजाय, एस हमको क्या है? मालूम था आपको एस नहीं पता होगा, इस वजह से मैंने उप बोला था। क्या नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं ओरिएंटेड नहीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती नहीं है। अच्छा नहीं तो नहीं वो हाँ जैसे जैसे आप देखो, गधा जो है, गधा एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन अच्छा एनिमल एक क्लास है, तो उस क्लास में इस गधे को बिठा सकते हैं, मैं ऐसे आपको बताऊं कि बोलते। 8वीं क्लास का जो बच्चा है ना, आठवीं क्लास का बच्चा, वो ये बात बता सकता है। आजकल हमारी 8वीं क्लास के बच्चे को जो बेसिक जावा प्रोग्रामिंग की तालीम दी जा रही है सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट बताने के लिए, उनको भी इस वक्त इस चीज का पता है। आपने ग्रेजुएशन की हुई है, ठीक हाँ है, जी, गधा एक क्लास है, ये इस तरह की बेसिक नहीं आंसर तो कोई गधा भी दे सकता है? ऑब्जेक्ट है, एनिमल क्लास है। हाँ एनिमल क्लास है, गधा ऑब्जेक्ट है, वही मैं कह रहा हूँ कि ये एक 8वीं क्लास का बच्चा भी बता सकता है। आपने तो बीएस किया हुआ है कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो मैं आप कैसे बताऊँ? बताया था डैंगलिंग पॉइंटर क्या है, बेसिक चीज है। चले डबली लिंक लिस्ट क्या होती है? क्या क्या डबल लिंक लिस्ट क्या होती है? ये क्या 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 डबल, डबल लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट क्या होती है? ओ लिंक्ड लिस्ट जो होती है कि एक, डबल लिंक लिस्ट, क्या डबल लिंक लिस्ट? यही तो आपको पता नहीं है, लिहाजा आपने ग्रेजुएशन नहीं किया। चाचा थैंक यू सो वेरी मच, मत ऐसा करें, ठीक है? अरे भाई आप, मैंने 20 साल पहले पढ़ाई की, आप आज पूछ दोगे तो ऐसे 20 साल पहले मुझे? जो पढ़ाई की थी उसके इस्तेमाल नहीं किया, उसके बाद क्या झाड़ू पूंजा कर रहे थे अपने घर के अंदर, अरे उसको इस्तेमाल का ही लिंक नहीं लिस्ट किया? में तो एक पॉइंटर होता है, तो वही उसमें बता, हाँ वो पॉइंटर होता वो है। चले भाई अटैच थैंक यू होता है सो वेरी नेक्स्ट मच, पॉइंटर आप से। ऐसा अच्छा करें, आप चलो, ऐसा ये करें, आपकी पढ़ाई तो पता चल गई डियर जयान साहब। अभी देखिए आप एक काम करिए, जब आप बोल रहे हो कि हिस्ट्री में नहीं लिखा आप हुआ लोग है, बुला के इंसल्ट करते हैं ना ऐसे मैंने इंसल्ट हमारे। नहीं भाई, आप हमारे मेरे प्यारे भाई, भाई बोलूं नहीं बोलूं, भाई अब बोलूंगा तो कुछ नहीं, अगर अगर आप
आप अगर एक भाई बोल रहे हैं तो आपको फिर पता है ना कैसे भाई के मतलब आपको आप शिर्क कर रहे हैं। आप भाई साहिल, आप कौन सा शेयर कर शिर्क रहे हैं, कर आप रहा भाई है? कैसे बोल सकते हैं? कमीने, साहिल, नहीं, मेरे को लगा मकार। भाई बोलूंगा तो इनको बुरा नहीं लग जाए। भाई नहीं बोलू क्या नहीं बोलू, भाई, सिर्फ मैं नाम कैसे बोलू, भाई कैसे मान ले सकता हूं हाँ आपको भाई मैं कैसे मान ले यार, साहिल तू आइटम मरते रहे, बोलू, साहिल मरते। आइटम बोलू। डियर जैन नहीं साहब, नहीं डियर जैन बोलो, इसलिए मैंने डियर डाला था ताकि हाय आपको तकलीफ हाय ना हाय। हो और मुझे अच्छा भी आपको तकलीफ मालूम ना है हो। डियर जयान साहब, आपको मालूम है कि गैस लोगों की सजा क्या है इस्लाम में? पत्थर पत्थर मारना है, पत्थर, मैंने तो तो सुना था आपको भी वो फिर ऊंची मारा जाएगा, चोटी से याद फेंकना। है? आपको भी चोटी से फेंक दिया जाएगा, आपको पता है? क्यों गैस की सजा है वो। नहीं तो मैं गे क्यों हूं? अच्छा आप नहीं है, ओके ओके नहीं सॉरी। मैं तो गे हूं, बट मैं वो दूसरा वाला हूं। देखा गे मींस बीइंग हैप्पी। यस एडम, मैं भी मानते हो कि नहीं मानते हो अभी बोलो। यार मैं कहता हूँ तू तो ग्रेट हो गया यार, मुर्तेद तू ग्रेट देखो है भाई। अशहादु अन्नबी इल्ला साहिल। अच्छा, यही बात। अच्छा डियर जयान साहब, ये बताओ कि आप खुद भी एक गे है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं? आई डोंट हैव एनी इश्यू, इट्स गे का एब्सोल्युटली आपको फाइन। लिटरल मीनिंग ही पता नहीं है भाई। मेरी बात तो सुन लो अभी। मुझे ये बताओ कि आपका इस्लाम आपको कत्ल करने की बात करता है, हाउ डू यू टेक इट? अरे भाई ये फिर आप घूम फिर के उसी पॉइंट पे आ जाते हो, एक क्यों वही नहीं, है क्यों नहीं, जिससे इट्स आप योर अटैक बेसिक कर राइट सकते हो, डियर जयान साहब, सुनो। आउट ऑफ इट्स कॉन्टेक्स्ट कोट कर नहीं सकते नहीं हो। एक मिनट साहिल एक आउट ऑफ मिनट एक कॉन्टेक्स्ट चला गया यार। डियर जयान साहब मेरी बात सुनो। देखो प्रॉब्लम ये है कि जो चीज आप तैयारी करके आए थे वो आपके पास अभी है नहीं, रेफरेंस आपके पास है नहीं, तो हम मैंने उससे तो भी दे आगे तो बढ़े। दिया, मैंने रेफरेंस नहीं दिया तो आपने आपको, नहीं दिया, क्या आपके पास बात कर रहे रेफरेंस हो। नहीं है, आपने आर्टिकल में से पढ़ा है, उसका हवाला आपके पास नहीं है, इस वजह से हम थोड़ा आगे बढ़े। मुझे ये बताओ, सी मेरा ये मानना है डियर जयान साहब, आप गे है या होमोसेक्सुअल है जो भी है, आपको आपकी जिंदगी की पूरी वैल्यू है, आपको जीने का पूरा हक है, लेकिन आपका इस्लाम ये कहता है कि आपको किसी ऊंची जगह से, कोई बिल्डिंग से, बुर्ज खलीफा से आपको फेंक दिया जाए, आपको मार दिया जाए, हाउ डू यू टेक इट? No, this is not acceptable. तो This फिर इस्लाम तो कहता है नहीं, यू आर नहीं गोइंग कहता, अगेंस्ट नहीं इस्लाम, कहता, नहीं अगर कहता, बता दिया जाए तो, नहीं कहता। अगर उसमें बता दे तो उसमें विल यू लिव इस्लाम? आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स कर रहे हो। कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको अगर बता दे विल यू नहीं लिव साहिल, इनसे इस्लाम? ठीक कॉन्टेक्स इनसे पूछ लें, एक सेकंड, कॉन्टेक्स है इनसे पूछ लें एक कॉन्टेक्स्ट बार। है, कभी गे को तो चोटी से फेंका जाएगा? वो अगर वो जबर करता है तो किसी के साथ, अच्छा तो उसके लिए अपने कोई एक आप में, हदीस का अपने रेफरेंस है? आप में अगर वो खुश है तो फिर ठीक नहीं, है। कोई एक हदीस का रेफरेंस है? ये हमारे इन्होंने कहा है, हमारे किसने किसने कहा? मैं जहां जाता हूँ वहां मौलानाओं से मेरी मेरी हाँ, बातें उन्होंने होती आपको हैं। कोई एक भी हदीस का रेफरेंस दिया? भाई आप लोग लकीर के फकीर क्यों हो? थोड़ा कॉमन भाई क्योंकि सेंस। रेफरेंस तो मांग रहे हैं तो लकीर के फकीर बन गए। आप लोग इन जनरल बात नहीं कर सकते, हमेशा नहीं रेफरेंस भाई, चाहिए, नहीं कर रेफरेंस सकते चाहिए। ना, हम नहीं ये क्या कर अजीब सकते। बात है, रेफरेंस नहीं मांगो, मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी फेंकम फाक कर दो। नहीं मतलब जो है उसको सही तरीके से समझो भाई, हाँ ना, तो बताया ना जो रेफरेंस, सही लिखा है। मेरे मतलब प्यारे भाई रेफरेंस दे देना आप। अभी मैं वो वाला प्रिपरेशन तो किया नहीं था, अभी मैं कुछ और प्रिपेयर करके आया था, आप लोग जब उसमें हार गए तो इधर आ गए। माँ की आंख हार गए। अच्छा एक काम करना, अभी आप डियर जयान साहब, आप अभी स्ट्रीम सुनी थोड़ी देर और चलेगी, आप एक काम करिए, गेस लोगों के लिए क्या सजा इस्लाम ने मुकर्रर किया है इस पे आप हवाला जोड़िएगा, और ये बार रेफरेंस के साथ आना, और एक बार फिर से हमको हराना, ठीक है? अच्छा डियर ज़ियान, एक और बात आपसे करता हूँ कि जो होमोसेक्सुअलिटी की सजा कुरान के अंदर है, पता है आपको क्या है? उसमें तो कत्ल की सजा है।
हाँ वो जो है वो अल्लाह ने लूत की कौम को होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर मारा था ना, वहां पे कहीं पे जबरदस्ती होमोसेक्सुअलिटी तो नहीं ना हो रही थी कुरान के अंदर? नहीं, मैं रेफरेंस लेके आपसे बात करूंगा, क्योंकि मुझे हाँ आप हाँ लोग बिल्कुल। इस तरह घुमा घुमा के आप लोग कुछ भी अरे यार बोलवा मैं आपको लोगे। बताता हूँ, सूरह आराफ की आयत नंबर 80, 81, 82, 83, 84, ये जो लूत की कौम के ऊपर सजा आई थी, इसमें लूत की कौम सिर्फ और सिर्फ होमोसेक्सुअलिटी कर रही थी, जबरदस्ती का काम मामला उसके अंदर नहीं था। तो अल्लाह ने पत्थर मार मार के, आग वाले पत्थर मार मार के इन सबको मार दिया। तो सर अल्लाह आपको क्यों नहीं मारेगा? नहीं, उसमें एक रूल है, क्या? अगर वो ये मान ले कि वो काफिर हैं और अगर जजिया दें तो फिर उस पे ये कहां, रूल नहीं कहां, अप्लाई। अच्छा ये जो आप कॉन्टेक्स्ट लेके आ रहे हैं ना, ये भी आपके लिए सवाल रहा, ये भी आपने लेके आना है, क्योंकि कुरान में नहीं है ऐसा कुछ। नहीं, ये तफसीर से पढ़नी होगी आपको, तफसीर भी तफसीर मैं, में भी थोड़ा होगी। आप आप डिटेल में जाएं और थोड़े इब्ने अच्छे कतीर, यार कौन है जो अच्छे अधिकार दिल ले रहा से है पोते का पढ़ें। बच्चा? म्यूट कर ले भाई तू अपने आप को, जो भी अधिकार वाला, उसके बाद जितना मर्जी अधिकार ले। हद हो नहीं, गई यार, मैं तो डकार आपको नहीं लिया कह रहा, ही। दूसरे बंदे को कह रहा हूँ। तो यार भाई सब आप अपने ऊपर क्यों ले लेते? मल्टीपल लोग बैठे हुए यार मुझे स्ट्रीम गे में, वाला भी आपने मुझे क्यों पूछा, मेरे नाम से ऐसा आपको क्यों लगा? क्योंकि सर कोई इंसान जो कि गे नहीं होगा वो डियर अपने साथ क्यों लगाएगा, और इस तरीके से कैसे बोलेगा जैसे आप बोल रहे हैं? ये तो बहुत ही मतलब इंसल्ट कर दिया, भारी इंसल्ट? बेइज्जती। क्यों इंसल्ट? गे होना इंसल्ट है इतनी बड़ी बेइज्जती किया आपने मेरा। डियर जयान साहब, गे होना इंसल्ट है आपकी नजर में? नहीं, लेकिन लेकिन जो नहीं है क्या इस उसको तरीके से, क्या इस तरीके से बोलना इंसल्ट है आपकी नजर में, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं? मैं तो बिल्कुल तो सही फिर मैंने तरीके तो से आपकी इंसल्ट बोला। नहीं किया, मैंने तो सिर्फ आपको हर बताया है। एक हर एक लोगों की अपनी स्टाइल होती है बात करने की, हाँ तो तो मैंने तो सिर्फ बताया ना आपको, मैं तो यही बता रहे ले साहिल साहब, आपने तो सिर्फ इनको यही बताया ना कि इस्लाम में गे होने की सजा क्या है, आपने इंसल्ट तो हाँ नहीं की साहिल? नहीं, मैं क्यों इंसल्ट किया यार, आई रिस्पेक्ट यू ऑल। हाँ एक तो ये ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा, मैं 20 साल पहले पढ़ाई की थी, आज आपने अचानक से मुझे ऐसे पूछ दिया अच्छा ये सब। चलो, आज चूंकि आप मोमिन भी है, और मैं चाहता हूं कि जितने हमारे मोमिन हजरात देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी भी आंखें थोड़ी खुल जाए, एंड वी रियली रिस्पेक्ट यू डियर जयान साहब फॉर वॉट एवर यू आर। मुझे सिर्फ इतना बताओ डियर जयान साहब, आपकी उम्र भी ज्यादा है, ये जो आपके अंदर ये वाली जो फीलिंग है के वाली, इज इट नेचुरल या आपने इसको बाद में सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में आके आपने अरे अपनी, मेरे में अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है, तू तो मुझे पब्लिकली डिक्लेयर कर रहा है भाई, कैसा है तू? आपने अग्री किया ना? मैं क्या, मैंने बोला गे, मैं तो उसको रेटोरिकली आपको बताया कि गे मीन्स हैप्पी। तो आप है गे क्या? नहीं है यार नहीं आप भाई, मर्दों के साथ डिंगी डिंगी करते हैं कि औरतों के साथ डिंगी डिंगी करते हैं? या कौन अच्छा लगता है आपको? क्यों देखिए मैं इस लेवल पे नहीं जा सकता हूँ पब्लिक में, आप नहीं जो आप चार हमसे हजार पूछे? लोग अरे आप, एक मिनट मेरे प्यारे भाई, ये इसमें ये कोई अजूबा वाला सवाल थोड़ी ना है, हम इंसान हैं, यू नहीं ये कैन आस्क बिलो मी माई बिलो द प्रेफरेंस। बेल्ट, डिग 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 डिंगी डिंगी नहीं पता आपको? लेकिन मैं शायद इसमें आवाज चली गई थी आपको, आपकी। मैं इंटरटेन नहीं कर सकता इन 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 गलत बातों को, और आप लोगों ने जो कोट किया है ना कुरान से, वो भी गलत किया है। चले सर आप सही अच्छा कहते हैं चलो, ना, आप है ना, द नेक्स्ट टाइम आप हवाले के साथ गेस की सजा क्या है आप ये लेके आइएगा। ओके डियर जयान साहब, मेरे प्यारे डियर, जी जरूर, शुक्रिया शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू। बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, डियर, डियर और जयान प्लीज साहब, एक्सेप्ट कर एकदम लेना कि आप मेरे से आर्गुमेंटेड में हार गए हो, ठीक है हार ना? गए, हार गए, मैं हार गया। ये अभी अभी ओ मैंने मैन, इब्न हिशाम को बताया, और रॉबिन हुड को भी मैंने वो कैंसिल कर दिया आपके आर्गुमेंट को, तो लिटरली लिटरली आज आज इस्लाम की जीत हुई है। यार ओके साहिल मैं हैरान होता यार इन लोगों के। बहरहाल चले यार, ठीक है यार, ओके भाई, कॉन्फिडेंस। ओके डियर जैन ओके, साहब, थैंक यू सो बी अ मच, हैप्पी गे, डोंट वरी, बी अ प्राउड गे। थैंक ओके गे हाँ, है बी हैप्पी गे, इट्स ओके।